हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज सभी आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं आज हम लेके आए हैं नीट की डीपीपी सेकंड और इस नीट की डीपीपी सेकंड में मैं आपको टेन एमसीक्यू एक्सप्लेन करूंगा जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और आज हमने कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं सिलेक्ट किया है जनरल बायोलॉजी से एम ले रहे हैं तो लेकिन ये नीट नीट के लेवल के एम हैं तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर वन टीबिया इज़ अ बोन फाउंड इन तो टीबिया एक बोन है ये कहाँ पे फाउंड होता है कहाँ पे पाया जाता है सो टीबिया इज़ अ बोन फाउंड इन स्कल आर्म लेग एंड फेस सो जैसे आपको पता होगा कि लेग में जो बोन्स होते हैं वो होते हैं फीमर टीबिया फिबुला तो टीबिया लेग में पाया जाता है तो इसका आंसर निकल के आ जाता है सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है तो ऑप्शन ए थाइरॉयड ग्लैंड ऑप्शन बी पेंक्रियास ऑप्शन सी लिवर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो अगर आप ये देखिए कि जो थाइरॉयड ग्लैंड है ये हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड है लेकिन थाइरॉयड ग्लैंड हमारी बॉडी में सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है वो होती है लिवर अगर आप ये कंसिडर करो कि ग्लैंड्स में कितने टाइप हैं तो ग्लैंड्स में दो टाइप होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब अगर ऐसी कोई ग्लैंड जो अपना हार्मोन डायरेक्ट ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर पोर करती है ब्लड के अंदर छोड़ देती है तो उस ग्लैंड को हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड और वो वाली ग्लैंड जो ग्लैंड स्पेसिफिक पाइप के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक हार्मोन को कैरी करती है उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो होती है थायरॉय ग्लैंड और सबसे बड़ी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो होती है लिवर और एंडो और एक्सोक्राइन में से सबसे बड़ी साइज में अगर हम देखें तो लिवर होती है सो लिवर सी इज़ दी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पे पाई जाती है ये हमें सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है सो ऑप्शन सा ज़ीरो डिग्री सेल्सियस फोर डिग्री सेल्सियस फोर पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस एंड नन ऑफ दिस सो जनरली वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो फोर डिग्री सेल्सियस पे पाई जाती है तो सिंपल सा आंसर है इसका और ये आंसर है ऑप्शन है उसका बी ऑप्शन फोर डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन नंबर फोर अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन क्लासिफाइड इनटू ऑप्शंस आर थ्री किंगडम सिस्टम फाइव किंगडम सिस्टम टू किंगडम सिस्टम एंड सिक्स किंगडम सिस्टम क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है टेक्सोनॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन तो आजकल जो क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो वो कौन सा क्लासिफिकेशन है तो उस क्लासिफिकेशन में हम तीन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं या तो ऑर्गेनिज्म को हम क्या पांच लिविंग पांच किंगडम में डिवाइड करते हैं या तो तीन किंगडम में डिवाइड करते हैं या तो टू किंगडम में डिवाइड करते हैं या तो सिक्स किंगडम में तो जैसे आपको पता होगा कि काल वूस नाम के साइंटिस्ट थे इन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को थ्री किंगडम में डिवाइड किया हुआ था और वो ऑर्गेनिज्म थे आर्चियो बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया एंड यू कैरिया लेकिन काल वूस का जो क्लासिफिकेशन पैटर्न था उसमें उन्होंने दो किंगडम में तो आर्चियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को ही रख दिया था तो एक्चुअली उनका वो जो क्लासिफिकेशन था वो इतना फेमस नहीं हुआ लेकिन जब आर एच वेटेकर का क्लासिफिकेशन आया तो आर एच वेटेकर का क्लासिफिकेशन काफ़ी फेमस हुआ और आज आर एच वेटेकर का क्लासिफिकेशन में फाइव डोमेन सिस्टम होते हैं मतलब फाइव किंगडम सिस्टम होते हैं साइंटिस्ट आर एच वेटेकर ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पाँच कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था और वो कैटेगरी थी किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंजाई किंगडम एनिमिली और किंगडम प्लान्टी ये हमें चैप्टर नंबर टू दिव बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है एलेवेंथ स्टैंडर्ड सी बी एस चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं किंगडम फंजाई इंक्लूड्स तो फनजा किंगडम में कौन कौन इंक्लूड होते हैं ऑप्शन ए अ सेल्युलर यूकेरोटिक ऑर्गेनिज्म ऑप्शन बी नॉन क्लोरोफिल मल्टी सेल्यूलर यूकेरोटिक ऑर्गेनिज्म ऑप्शन सी नॉन क्लोरोफिल मल्टी सेल्युलर थेलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म ऑप्शन डी क्लोरोफिल कंटेनिंग मल्टी सेल्यूर ऑर्गेनिज्म तो देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना हमें काफ़ी कन्फ्यूज़ कर देते हैं बड़े बड़े जिनके ऑप्शन होते हैं और ऑप्शन भी नियर अबोट एक जैसे ही लगते हैं तो इसमें हमें सिलेक्ट क्या करना है तो देखिए पहला जो ऑप्शन है असेल्युलर तो फंजाए तो यूकेरोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं तो असेल्यूलर की तो बात ही नहीं आती है तो असेल्यूलर कौन होते हैं वायरसेस होते हैं मतलब जो बाउंड्री पे हैं लिविंग और नॉन लिविंग की तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गया अब बी ऑप्शन है नॉन क्लोरोफिल्स तो ये बात सही है इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है नॉन क्लोरोफिल्स मल्टी सेलुलर तो या फंजा मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं यू कैरोटिक ऑर्गेनिजम तो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट दिख रहा है अभी लेकिन फिलहाल हम और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं सी ऑप्शन है नॉन क्लोरोफिल्स करेक्ट मल्टी सेलुलर यह भी करेक्ट थैलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म तो एक्चुअली फंजाए कभी भी, भी थेलोफाइटिक नहीं होते हैं थैलोफाइटिक थैलोफाइटिक का मतलब क्या होता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिम के अंदर स्टेम रूट और आ, लीफ जैसे ऑर्गेनल हमें नहीं दिखे उसे हम कहेंगे थैलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। तो फंजाई में आ, हमें बेसिकली स्टेम जैसा पोर्शन दिखता है जैसे हम कहते हैं स्टॉक और उन पे पिलस और गिलस भी होते हैं गिल्स भी होते हैं अलगी जो होते हैं वो थैलोफाइट होते हैं और ऑप्शन डी है क्लोरोफिल कंटेनिंग तो ओब्वियसली फंजाई में तो क्लोरोफिल होता ही नहीं तो आंसर निकल के आ जाता है हमारा सेकंड वन दैट इज़ अ नॉन क्लोरोफिल्स मल्टी सेलुलर यूकेरेटिक ऑर्गेनिज्म बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग द सी एंड ओशन एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर ही दिया हुआ है उन्होंने ये कहा है कि ऐसी कौन सी स्टडी है बायोलॉजी फील्ड में देखो चारों के चारों ऑप्शन जो है सोशल बायोलॉजी मराइन बायोलॉजी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और फ्रेश वाटर बायोलॉजी मतलब चारों जो ब्रांचेस है वो बायोलॉजी के ही हैं तो हमें ये दे रखा है ऊपर से स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग द सी एंड ओशियन तो सी एंड ओशियन रिलेटेड है वाटर से रिलेटेड ऑब्वियसली तो हम क्या आंसर देंगे मराइन बायोलॉजी तो हमारा बी आंसर सही हो जाता है कई अगर आप लोगों को लगता है मैं अगर कोई क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा या तो उनके ऑप्शंस के मतलब आपको नहीं समझा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो तो मैं वो भी मैं इम्प्रूव कर लूँगा और अगर आपको मुझे कुछ कंप्लेंट करनी है तो मैं कंप्लेंट कम, भी कर दीजिए कमेंट्स में ताकि वो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही या तो आप मुझसे सिर्फ कंटिन्यू इंग्लिश में ही चाहते हो तो मैं वो भी एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं और अगर आप ये मैंने जो हैंड रिटन लिखे हुए हैं क्वेश्चन उसको छोड़ के अगर आप टाइप किए हुए चाहते हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ लेकिन हैंड रिटन में ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ फिलहाल सो क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं द ब्रांच ऑफ़ बायोलॉजी विच डील्स विद द यूज ऑफ अ डेटा एंड टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंसर्निंग लिविंग organism. तो देखिए ये हम सिंपली पहले उन्होंने बताया कि ऐसे ही कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम डेटा और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में लेकिन वो इंजीनियरिंग कौन सी होनी चाहिए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होनी चाहिए तो ऐसी इंजीनियरिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम से रिलेटेड होती है उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी यस डी ऑप्शन हो जाता है इसका बायोटेक्नोलॉजी सो क्वेश्चन नंबर एट द मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग मैटर देट प्रोवाइड्स बिल्डिंग ब्लॉक आर मोस्टली बेस्ड ऑन तो जैसे आपको पता है कि केमिस्ट्री में ब्रांच होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें किसे कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारी लिविंग बॉडी जो भी है वो प्लांट हो एनिमल हो बैक्टीरिया हो अमीबा हो पैरामेशियम हो ह्यूमन हो एनिमल हो कोई भी हो सभी की लिविंग बॉडी ऑलमोस्ट कार्बन से बनी हुई है तो इसका आंसर आएगा कार्बन क्योंकि कार्बन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स में होते हैं इवन दो कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में प्रोटीन में लिपिड में अमाइनो एसिड में फैटी एसिड में न्यूक्लिक एसिड में डी एन ए आर एन एन सब में कार्बन पाए जाते हैं तो ए आंसर सही हो जाता है इसका क्वेश्चन नंबर नाइन ऑर्गेनल्स आर देखो पूछा क्या गया ऑर्गेनल्स आर ऑर्गन नहीं है ऑर्गेनल्स आर ऑप्शन ए यूनिसेलर स्ट्रक्चर ऑप्शन बी मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑप्शन सी सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑप्शन डी नॉन सेल्युलर स्ट्रक्चर तो देखिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अगर होते हैं सबसे पहले आप समझ लीजिए ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हमारे लिवर है पेंक्रिया है स्टमक है इनको हम कहते हैं ऑर्गेनल ये ऑर्गेनल नहीं होते ये होते हैं ऑर्गन्स ऑर्गेनल क्या होते हैं जैसे समझ लीजिए लिवर तो लिवर काफी सारे टिश्यू से बना होगा और टिश्यू किससे बने होंगे सेल से बने होंगे तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल होते हैं माइटोकोट्रिया एंडोप्लास्मिकुलम गोलगे लाइसोजोम मेजोजोम राइबोजोम ये जो ऑर्गेनल होते हैं इन इन छोटे छोटे उनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स तो ऑर्गेनल्स क्या होते हैं सब सबसेल्युलर लेवर स्ट्रक्चर होते हैं मतलब सेल के अंदर जो पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं सब सबसेलुलर स्ट्रक्चर तो ऑप्शन सी निकल के आंसर आ जाता है ये है सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनल्स आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वॉस सो दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक थी वो थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई हुई थी 1929 में और वो एंटीबायोटिक थी पेनीसिलिन तो ऑप्शन है हमारे सामने पेनीसिलिन सिफिलोस्पोरिन टेट्रासाइक्लिन एंड एन तो इसका आंसर है गाइस पेनीलिन सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन दबा लें आपको हर रोज़ एक ऐसी टेस्ट आएगी एग्जैक्टली exactly नाइन पी एम को ऑलमोस्ट मंडे टू फ्राइडे आपको हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे 9 पीएम को एक ऐसी लाइव टेस्ट आएगी सो थैंक यू सो मच हैव हैवे नाइस डे